प्रिय मित्रों, गुलामी के घर मिस्र से प्रतिज्ञा देश की ओर जाने वाले इसराइलियों का मरुभूमि अनुभव यह था कि सर्वशक्तिमान ईश्वर उनके साथ रहता है, चलता है, उनकी रक्षा करता है। ईश्वर द्वारा निर्देशित नक्शे के अनुरूप बनाए गए तंबू के दर्शन कक्ष में एक बादल के रूप में ईश्वर की महिमा भर जाती थी। जब बादल तंबू पर से उठकर दूर हो जाता था, तभी इसराइली उसे उठाकर आगे बढ़ते थे। मनुष्य के साथ ईश्वर के सामीप्य का यह सुंदर अनुभव रहा। नबी ईसाया को प्राप्त दिव्य दर्शन में नबी ने देखा कि प्रभु एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था और सराफिंगण के स्वर्गदूत यह कहकर ईश्वर की स्तुति करते थे, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु, उसकी यह महिमा समस्त पृथ्वी में व्याप्त है। यह स्तुति गान दुनिया भर के गिरजाघरों में प्रतिदिन गूंजता रहता है। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र में संत पौलुस ब्रादर प्रेम का गुणगान करते हैं, सदा बने रहने वाले विश्वास और भरोसे से भी अधिक मगानवे प्रेम। लेकिन इस प्रेम की महानता सर्वशक्तिमान प्रभु की महिमा से जोड़कर हमें समझनी चाहिए। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर की महिमा समस्त विश्वमंडल में व्याप्त है। जब हम एक दूसरे को प्रभु यीशु के मनोभाव से प्रेम करते हैं, तभी ईश्वर हम में महिमान्वित होता है। आज के सुसमाचार पाठ में हमने पेत्रुस की विश्वास घोषणा सुनी। शिष्य ने नासरत के उस महान गुरु के साथ रहकर उनकी अलौकिक शक्ति देखी, उनकी शक्तिशाली वाणी सुनी, उनकी अनोखी शिक्षा सुनी, उनकी करुणा और सहानुभूति देखी और उनके प्रेम का अनुभव किया। और अब गुरु उनसे पूछते हैं कि मेरे बारे में लोगों का विचार क्या है। उत्तर आसान था, कुल मिलाकर लोग उन्हें एक महान नबी मानते हैं। और तब वो अप्रत्याशित सीधा सवाल आया, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? सब शिष्य चुप रह गए, क्योंकि उस सवाल का उत्तर देना आसान नहीं था। तब पेत्रुस ने ईश्वर से प्रेरित होकर कहा, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र मसीह है। और तब यीशु ने पेत्रुस को स्वर्ग पृथ्वी पर अधिकार देने की बात कही और उसे कलीसिया के मुखिया बनाने की घोषणा की। आज प्रभु यीशु हमसे पूछते हैं, तुम्हारे लिए मैं कौन हूं? हमारा जवाब क्या होगा? क्या हम कह सकते हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप हमारे मुक्ति दाता हैं, आप हमारे जीवन दाता हैं, आप हमारा सब कुछ है, आपके लिए हम जीना और मरना चाहते हैं। पेत्रुस पहला पोप बन गया और उसके बाद अब 2000 वर्ष निकल गए हैं। संत पिताओं का अटूट सिलसिला जारी है।
कलीसिया को अनेक कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। कई बार अनेक विद्वानों ने कलीसिया का मृत्यु पत्र लिखने का प्रयास किया, लेकिन हर बार कलीसिया पूर्वाधिक शक्ति से उठ खड़ी हुई। कलीसिया के नेताओं तथा विश्वासियों में गलतियां होती रहती है, उन पर दोषारोप लगाए जाते हैं, कभी झूठे तो कभी सही, फिर भी कलीसिया पवित्र है क्योंकि पवित्र आत्मा उसमें कार्यरत है और पापियों को पवित्र करने वाले संस्कारों से वो संपन्न है। और कलीसिया का उद्देश्य भी सब मनुष्यों को पवित्र करना है। कलीसिया के दुश्मन अंदर और बाहर तैनात रहते हैं और उसे कई प्रकार से सताते रहते हैं, लेकिन कलीसिया की निरंतरता और भावी विजय सुनिश्चित है क्योंकि यह ईश्वर के द्वारा स्थापित है। प्रभु ने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। संत पापा के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करें ताकि वे सदा प्रभु की इच्छा के अनुसार कलीसिया का मार्गदर्शन करते रहे। जय यीशु।